वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडेड। आज हम डिकोड करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड जो है इंड AS 113 फेयर वैल्यू मेयरमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये फेयर वैल्यू मेयरमेंट हमें ये चाहिए क्यों स्टैंडर्ड? ये बेसिकली चाहिए होता है कि हमें एक गाइडेंस देने के लिए कि बाकी जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसमें हम जब भी फेयर वैल्यू आता है तो हम कैसे मेयर करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंड AS 113 कि कहीं पर भी किसी भी स्टैंडर्ड में जब भी फेयर वैल्यू आता है वर्ड तो हम हमारे दिमाग में सबसे पहले इंड AS 113 आना चाहिए कि वो उसमें बताया गया फेयर वैल्यू कैसे मेयर करेंगे। अब ये चार केसेस में इंड AS 113 नहीं लगता। एक तो आ गया हमारा शेयर बेस्ड पेमेंट्स जो इंड AS 102 में कवर्ड है, लीजेस जो इंड AS 17 में कवर्ड है, इन्वेंट्रीज जो इंड AS 2 में कवर्ड है, और इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स जो इंड AS 36 में कवर्ड है। तो इन चारों को छोड़ के हम कहीं भी फेयर वैल्यू वर्ड आता है तो हम इंड AS 113 के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करें। अब फेयर वैल्यू की डेफिनेशन क्या है? कहता है कि जो प्राइस हमें मिलेगा जब हम कोई एसेट बेचते हैं या कोई लाइबिलिटी पे करते हैं, तो कोई भी प्राइस जो हमें रिसीव होगा या हम पे करेंगे जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में मेयरमेंट डेट को, कि जब हम उसको मेयर कर रहे हैं उस डेट को मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बीच में क्या प्राइस है। जैसे कि आपको कोई एसेट बेचना है तो अब हमने ये देखना है कि वो अमाउंट कौन सी होगी जो टू पार्टीज़ के बीच में उस पर्टिकुलर डेट को फेच करेगी, मतलब वो मिलेगी। जैसे कोई एसेट बेच रहे हैं, आपने चाहे अपने फ्रेंड को कोई एसेट बेचा, फ्रेंड नहीं, जैसे किसी को भी कोई एसेट बेचा, तो मार्केट प्राइस क्या है उस डेट पे उस प्रोडक्ट का, तो ये फेयर वैल्यू बेसिकली डेफिनेशन। अब ये तो फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में, नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बारे में होता है कि हम मार्केट पार्टिसिपेंट को देखते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ मार्केट पार्टिसिपेंट टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि उससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स कितने हो रहे हैं नॉन फाइनेंशियल एसेट के। और एसेट को हम हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, ऐसा नहीं है कि हम वैसे हमारे पास स्टेबल सा एसेट पड़ा हुआ है, उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ देखेंगे। और हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट टेक्स इनटू अकाउंट द यूज़ ऑफ एन एसेट दैट इज़ फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल एंड फाइनेंशियली फिजिबल। तो वही जो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ देखा जाता है नॉन फाइनेंशियल एसेट के बारे में फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए, तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज़ कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये देखा जाता है कि एसेट को फिजिकली पॉसिबल, लीगली परमिसिबल और फाइनेंशियली फिजिबल, ये तीन पॉइंट्स कंसीडर करके हम फेयर वैल्यू ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट कैलकुलेट करें। अब लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के केस में क्या करते हैं? कहता है कि वही कि एट द मेयरमेंट डेट हो गया ट्रांसफ़र टू मार्केट में, जिस दिन मेयरमेंट डेट जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं उस दिन की डेट देखकर, कहता इट कैन बी मेयर्ड बाय यूजिंग कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट और अदर इन ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, बट इफ दीज आर नॉट अवेलेबल देन इनकम एंड मार्केट अप्रोच कैन बी यूज्ड। कहता हम ये देखते हैं यार एक्टिव मार्केट में उसका क्या प्राइस है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, वो लेते हैं, लेकिन अगर एक्टिव मार्केट में उसका प्राइस नहीं अवेलेबल तो हम इनकम और मार्केट अप्रोच यूज़ करते हैं। अब लायबिलिटी एंड इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स नॉट हेल्ड बाय अदर पार्टीज एट एसेट्स, कि अगर दूसरी पार्टी ने उनको एसेट यूज़ नहीं किया हुआ, व्हेन अ कोटेड प्राइस फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ एन आइडेंटिकल और सिमिलर लायबिलिटी और एंटिटीज़ ऑन इक्विटी इज़ नॉट अवेलेबल, कि जब हमारे पास कोई उसका प्राइस अवेलेबल ही नहीं है तब हम क्या करते हैं, आइडेंटिकल एसेट आइटम इज़ नॉट हेल्ड बाय अनदर पार्टी एज एसेट एंड एंटिटी शैल मेयर द फेयर वैल्यू ऑफ द लायबिलिटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट यूजिंग अ वैल्यूएशन टेक्निक। जब हमारे पास उसका प्राइस ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूएशन टेक्निक यूज़ करेंगे। और वैल्यूएशन टेक्निक कौन सी हैं, तीन होती हैं, चलिए वो देख। बेसिकली वैल्यूएशन टेक्निक एक तो इनकम अप्रोच होगी कि हम डिस्काउंटेड रेट यूज़ करेंगे जिसमें कि हम फ्यूचर अमाउंट्स को करंट अमाउंट में हम कन्वर्ट कर देंगे। दूसरी मार्केट अप्रोच होगी, यूजेस प्राइस एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन्वॉल्विंग कंपेरेबल एसेट्स और लायबिलिटीज़, के उसके जैसा कोई भी एसेट या लायबिलिटी हमारा वो अगर मार्केट में है हम वो मार्केट अप्रोच, या कॉस्ट अप्रोच के रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या है उसकी, बेसिकली कि या तो हम ये देखेंगे उसको कॉस्ट अगर हमारी निकलती है, अगर कॉस्ट भी नहीं निकलती तो हम रिप्लेसमेंट प्राइस देखेंगे। तो तीन अप्रोचेस हमारी होगी वैल्यूएशन।
देखो सिंपल सी बात है, अगर वो मार्केट में हमारी एक्सचेंज हो रहा है, मार्केट में है तो हम मार्केट प्राइस लेंगे, लेकिन मार्केट में नहीं है कहीं भी उस एसेट का वैल्यू, तो हम तीन अप्रोचेस वैल्यूएशन टेक्निक्स यूज़ करेंगे। उसमें तीन अप्रोचेस आते हैं, इनकम अप्रोच, उसमें डिस्काउंटेड रेट लेंगे, मार्केट अप्रोच कि उसमें कंपेरेबल एसेट और लाइबिलिटी लेंगे, कॉस्ट अप्रोच, हम कॉस्ट फैक्टर उसका देखेंगे या फिर रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखेंगे। ठीक है, ये तीन पॉइंट। अब एक होता है फेयर वैल्यू हायरार्की, इसका पर्पस क्या होता है, ये बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। बेसिकली इसका पर्पस होता है कंसिस्टेंसी की, जो हमारी फेयर वैल्यू मेजरमेंट है कि और रिलेटेड डिस्कशन है उसमें कंसिस्टेंसी बनी रहे, कि अब ऐसा ना हो कि एक बार कुछ ले रहे हैं दूसरे बार कुछ ले रहे हैं, कंसिस्टेंट वे में हम उसको फेयर वैल्यू को कैलकुलेट करें। इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, लेवल वन, लेवल टू एंड लेवल थ्री। जब लेवल वन को हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं हम लेवल थ्री को। अब ये तीन लेवल कौन से हैं, अब इसके बारे में देखते हैं। लेवल वन होता है जब एसेट जो है मार्केट में कोट हो रहा है तो हम उसका कोटेड प्राइस लेंगे। अगर लेवल टू है जब मार्केट में नहीं कोट हो रहा तो हम उसका सिमिलर एसेट और लाइबिलिटी का प्राइस लेंगे। और लेवल थ्री है फाइनेंशियल फोरकास्ट, कि हम उसका फाइनेंशियल फोरकास्ट क्या है, मतलब आगे वो हमें क्या कुछ हमें उसका पे करना पड़ेगा या क्या हमें वो गेन देगा वो एसेट, और उसकी वोलेटिलिटी को इसमें कि उसकी फ्लक्चुएशंस जो है उसके यूज़ के वो भी कंसीडर किया जाता है। तो हमने फेयर वैल्यू हायरार्की देखी जिसमें हम सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे लेवल वन को। ठीक है, अब तो इसमें डिस्क्लोजर्स क्या होते हैं, डिस्क्लोजर्स होते हैं कि जो रिकरिंग एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कि जो हमारी बैलेंस शीट में कंसिस्टेंट बेसिस पर है उसकी फेयर वैल्यू रिपोर्टिंग डेट पर क्या है, वो आ गया। नॉन रिकरिंग होता है कि जो हमारी कंसिस्टेंट बेसिस पे नहीं अवेलेबल है, जैसे कि एक साल में है दूसरे साल में नहीं है, जो वैल्यूएशन टेक्निक्स जो हमने यूज़ करी है उनके लिए वो आ गया। ठीक है, तो अगर आपका कोई भी डाउट है या क्वेरी है तो आप हमें concept.decoded@gmail.com पे मेल कर दीजिए या कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। ये मैंने सिंपल वे में आपको एक मेन मेन पॉइंट्स जो हैं इस स्टैंडर्ड के बताए हैं, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि आपके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे इसमें कवर हो रहे हैं, और ऐसे ही मैं सारे स्टैंडर्ड रिवाइज करवाऊँगा आपको। थैंक यू सो मच।